साथियों, आज मैं उपस्थित हजरतगंज लखनऊ में, जहां पर छात्र युवा नेता कई सारे छात्रों के संगठन मिलकर धरना प्रदर्शन करे जीरो फीस को लेकर, जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जीरो फीस समाप्त करके जो SC ST के छात्र हैं उनकी फीस बढ़ने लगी है, उनको भी शुल्क देना पड़ रहा है। अब इसी को लेकर नाराज छात्रों ने आज आक्रोशित धरना प्रदर्शन किया है लखनऊ में। मैं इन्हीं छात्रों से बात करूंगी और जानूंगी इस धरना प्रदर्शन के बारे में। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजवर्धन। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जो अभी योगी सरकार का एक नया तुगलकी फरमान आया कि जो SC ST छात्रों की जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी पहले प्राइवेट कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसको बंद कर दिया गया है और उसी को बंद करने के विरोध में हमने प्रदर्शन किया है। क्योंकि जब ये SC ST के जीरो बैलेंस पे जो एडमिशन बंद हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी आबादी जो नौजवानों की आने वाली है, देश को, देश के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान देगी, वो आबादी कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएगी और वो अशिक्षा के दौर में चली जाएगी। एक तरफ हम देखते हैं कि आधुनिकता के इस युग में कि जो है पूरा जो विश्व है वो ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, और एक तरफ हमारे ही सरकार, हमारे देश के जो प्रदेश की सरकार है और देश की सरकार है, वो अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने देश के नागरिकों को अशिक्षा की ओर ढकेल रही है। तो कहीं ना कहीं विस्पटल पर यह हमारे देश के लिए, हमारे देश को पीछे हटाने वाला कदम है इस प्रदेश की सरकार का। क्या मांग है आपका इसमें? हमारी मांग ये है कि ये हम जैसे अभी तक शिक्षा व्यवस्था चल रही थी कि जीरो बैलेंस पे प्राइवेट और निजी कॉलेजों में एडमिशन होते थे, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो उसी तरह से ये बहाली हो और सभी छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाए। हम तो ये भी कहते हैं कि प्रदेश सरकार से मांग है, देश की सरकार से मांग है कि SC के साथ पूरे OBC के वर्ग के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जिससे कि समाज का बड़ी तबका एक शिक्षित हो सके और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या हो सकता है? इसके लिए हमारे बड़े भाई आशीष आर्य जी हैं जो पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो इस बात पर जवाब दें। प्रदेश सरकार अगर हमारी मांगें नहीं पूरी करती है तो हम इसके लिए प्रदेश भर में जो है जिला स्तर पर और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में आंदोलन करेंगे। अगर ये सरकार अगर हम लोगों को पढ़ने नहीं देती है तो फिर हम किसी और को भी पढ़ने नहीं देंगे, ये सरकार को हम बता देना चाहते हैं। और इस लेवल पे अभी जो एक सांकेतिक धरना दिया गया है जिससे सरकार के कई विभागों में हमने ज्ञापन भी दिया है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर सरकार इसको वापस ले लेती है, अगर इसको बदल देती है तो अच्छा है। और ये हमारे समुदाय का, हम चाहते हैं कि एक अच्छा सुव्यवस्थित एक व्यवस्था प्रणाली बने जिससे OBC ही नहीं, SC ST के ही नहीं, OBC के और जो भी हकदार है, एक गरीब तबका जिसको ये शिक्षा बिल्कुल उसका एक फंडामेंटल राइट है, उसको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है, अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फिर हम फिर सरकार को बदलने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रेम कुमार भोजन, मैं अम्बेडकर छात्रावास से हूँ। देखिए, जो छात्रों पे लगातार हमला हो रहे हैं जब से सरकार बनी हुई है, चाहे आप 13-point roster को ले लीजिए या SC ST Act को ले लीजिए, या अभी तत्कालिक मुद्दा ये है कि जीरो फीस को बंद कर दिया गया, तो एक तरीके से देखिए कि जब देश का युवा पढ़ेगा ही नहीं तो देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जो तत्कालिक मुद्दा है जीरो फीस का, इसको पुनः वापस ले ले, जो ये तुगलकी फरमान जारी हुआ है सरकार के द्वारा। अगर नहीं लेती है, अन्यथा की दृष्टि में हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर चाहे अनुशासनहीनता हो, उसमें कुछ भी हो, हम उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। अगर इस चीज़ को अभी बहाल नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में जो भी हम कार्रवाई करेंगे उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे जो छात्र संगठनों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनका मेन मोटिव यही है, किस तरीके से जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि पहले जीरो फीस पे हमारे प्रोफेशनल कोर्स में बच्चों के एडमिशन हो जाया करते थे, जो इस समय बंद कर दिए सरकार ने, क्योंकि गरीब मजदूर किसान के जो बच्चे होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, वो एक बार में इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये सरकार की सीधे एक ही मंशा है, किस तरीके से इन लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर शिक्षा से दूर रहेंगे तो आने वाले समय में सरकार से आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, सरकार से आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो हम अपने हक और हुक्मरान की तरह जिएंगे, और हिटलर शाही की तरह, जिस तरह के हिटलर था वो ये कहता था कि इंसान को इतना विवश कर दो कि वो जिंदा रहे उसी को विकास समझे, यही भाजपा सरकार उसी मुद्दे पर चल रही है, जिंदा रहने को विकास देशवासियों को बताने का काम कर रही है। तो देखा आपने कि नाराज छात्र आक्रोशित होकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे रख रहे हैं और सरकार को चेताना चाह रहे हैं, अगर उनकी मांगें नहीं पूरी हो रही हैं तो इससे भी बड़ा वो आंदोलन करेंगे और सरकार को चिताएंगे कि अगर उनके हकों को छीना जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। इसी के साथ मैं सालियाना, देखते रहिए सम्यक TV 24।
को लाइक शेयर सब्सक्राइब।